नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। खबर ऋषिकेश से है, जहां आवास विकास कॉलोनी में संचालित नशा मुक्ति केंद्र के अंदर एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया है। पीड़िता के मुताबिक यह गैंगरेप नशा मुक्ति चलाने वाली युवती के एक दोस्त ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर किया है। पुलिस ने घटना की सूचना पाकर मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच में जुट गई है। युवती ने एक युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है, जिसमें लोग पंजीकृत किया गया है। इसकी वजह से सर, मामला कहाँ का है और कब से ऐसा हो रहा है? देखिए, ये लड़की तो जनपद हरिद्वार के निवासी है, लेकिन उसके द्वारा बताया गया कि वो कुछ समय से कैसे मरती थी, जहाँ पर उसके एक साथी युवक ने उसके साथ दुराचार। अगली खबर लक्सर से है, जहां बारिश के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लक्सर क्षेत्र से बह रही नील धारा गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते गंगा का पानी किसानों की फसलों में समा रहा है। नील धारा गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के सामने एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। यही हाल रहा तो खानपुर विधानसभा के दर्जन भर गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे और करीब दर्जन भर गांवों के बाढ़ जैसे हालात झेलने पड़ सकते हैं। अगली खबर सितारगंज से है, जहां नगरपालिका परिसर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हाईटेक शौचालय और हॉल का निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान चेयरमैन हरीश दुबे और ईओ प्रियंका आर्या भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि लाखों की लागत से इस हाईटेक शौचालय और हॉल का निर्माण किया गया, जिसे आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पहले यहाँ पर आग लग गई थी और इनको आवश्यकता थी हॉल की, तो आज यहाँ पर हॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसका मैं धन्यवाद करूँगा सारी नगर पालिका प्रशासन का और उनके चेयरमैन और सारे सभासदों का, जिनको मुझे आमंत्रित करके आज उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन मेरे यहाँ करवाया है। और बधाई देता हूँ उनको और उम्मीद करेंगे कि नगर पालिका और सरकार दोनों बढ़ते हैं। अगली खबर की ओर, जो कि गदरपुर से है, जहां शहीद दिवस पर कंबोज धर्मशाला में एक कार्यक्रम के दौरान शहीद उधम सिंह कंबोज को स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। इस दौरान सुरेश कंबोज ने बताया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद उधम सिंह कंबोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए यह रिपोर्ट। शहीद उधम सिंह जी का आज हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो उनकी शहादत हुई, आज उनका 182वां शहादत दिवस है, बलिदान दिवस। और यहाँ पर परंपरागत तरीके से लगभग 32-33 साल से यहाँ पर शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं, सभी समाज के लोग, जिसमें जाति मजहब से ऊपर उठकर हर कौम के लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं। लेकिन आज जो बड़ा कार्यक्रम है वो डेरा बाबा भूमण शाह, जो कि सकैनिया बाबा विवक्ता मंदिर पर, जहां पर आज वहां पर आयोजन है और काफ़ी बड़ी तादाद में वहां पर आज लोग बुलाए गए हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी और वहां के सांसद रामपुर के घनश्याम लोधी जी, वहाँ के जिला पंचायत ख्याली राम जी लोधी और भी बहुत सारे वहाँ के विधायक, हमारे उत्तराखंड के विधायक अरविंद पांडे जी वगैरह, ये सारे लोग वहाँ पर आज बुलाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर चमोली जिले से है, जहाँ लगातार हो रही बारिश से शनिवार की शाम PMGSY की कुहेड़ मैठाणा पलेठी मोटर मार्ग पर मैठाणा गैस गोदाम के पास पुश्ता टूट जाने से आवागमन बाधित हो गई। बता दें कि गैस प्रबंधक टीका चौहान ने गैस गोदाम के खतरे को देखते हुए प्रशासन से जल्द पुश्ता निर्माण की मांग की है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां महिलाओं के पावन त्योहार तीज के अवसर पर ऋषिकेश महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भरत मंदिर पब्लिक स्कूल में तीज महोत्सव और महिला मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और इसे यादगार बनाया। खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और पशु लोक बैराज से छोड़े गए पानी के चलते गंगा नदी अपने उफान पर जा पहुंची है। नदी अपने चेतावनी लेवल के 293 पर जा पहुंची है, जो कि एक बड़े खतरे की निशानी है। आपको बता दें कि इस खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग और प्रशासन की तरफ से कड़ी नजर रखी जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर नैनीताल से है। मानसून के प्रकोप से नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश के चलते एक राष्ट्रीय मार्ग और 14 ग्रामीण रास्ते बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि मामले को लेकर जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है और हल्के वाहनों के लिए मार्ग खोलने की दिशा में कार्य शुरू कर दिए गए हैं। रिपोर्ट की जांच के माध्यम से चले गए हैं वहाँ पे और अभी हमारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और जल्दी हम इसमें जितनी जल्दी हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे इसको कर लेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि पूरी पहाड़ गिरी है वो नीचे, जिससे पूरी सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो मिनिमम टाइम लगेगा एक हफ्ता। ऊपर जो आबादी है उसको अभी दिखवाते हैं कि ये कैसे चट्टान गिरी है। मुझे लगता है कि पानी का सीपेज वगैरह काफ़ी समय से रहा होगा और जिसकी वजह से चट्टान टूटी है। तो ऊपर आईटीआई का एरिया और जो हाइडल कॉलोनी है तो वहाँ भी जाके भी हमारी टीम दिखवा रही है इसको क्या हो सकता है। खबर चमोली से है, जहाँ नारायण बगड़ के झिंझौड़ी में आदर्श प्राथमिक विद्यालय भवन की सुरक्षा दीवार लगातार हो रही बारिश के कारण ध्वस्त हो गई। विद्यालय एवं आंगनवाड़ी भवन के लिए यह भारी खतरा बना हुआ है। आंगनबाड़ी के नौ निहाल छात्र यह आंगनबाड़ी के नौ निहाल छात्र छात्राओं समेत अन्य कर्मचारियों के लिए जानमाल का खतरा बन सकता है। ये एक लगभग एक महीना हो चुका है इस पुस्ते को लगे और एक हफ्ते से लगातार बारिश की वजह से पुस्ता जो ढह गया है और मजदूर ठेकेदार उनका पैसा भी बाकी रह गया है उनकी पूरी और वो अभी भी लॉस में है। तो मैं शिक्षा विभाग या प्रशासन से चाहता हूँ कि इस जल्द से जल्द इसकी तरफ ध्यान दिया जाए या इस पुस्ते का दोबारा से निर्माण किया जाए और इन लोगों का जो भी जितने मजदूरी है वो इनको दिया जाए और प्रशासन इस पर जल्दी से जल्द जो भी कार्रवाई हो वो शिक्षा विभाग के द्वारा की, क्योंकि बरसात स्टार्ट लगभग एक दो हफ्ते से हो ही चुकी है और संभावना है कि आगे भी और बारिश हो सकती है और इससे ज़्यादा बारिश हो सकती है तो विद्यालय के भवन को भी काफ़ी खतरा है और जो है कि यहाँ पर सामने आंगनबाड़ी वाला भवन जो है उसको भी खतरा है, वो ढह सकता है और शिक्षा विभाग उनको प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली में भारी बरसात के कारण ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भलतना में बनाई गई पुलिया के बारिश में बह जाने से ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं। आपको बता दें कि ईरानी गांव के ग्राम प्रधान मोहन नेगी ने बताया कि हर साल लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।